हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, इन दिस चैनल यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नर्सिंग और IGIMS एंड इन दिस वीडियो आई विल आल्सो डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नर्सिंग दैट कम्स ऑलवेज इन यूनिवर्सिटी एग्जाम और सेशनल एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ द नर्सिंग। ओके फ्रेंड्स, एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट अंडर फाइव क्लिनिक्स और वेल बेबी क्लिनिक्स। दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट ऑलवेज कम्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम और सेशनल एग्जाम्स ऑफ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अंडर फाइव क्लिनिक्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो अंडर फाइव क्लिनिक इज अ सेंटर वेयर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रेफरल, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एंड एजुकेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइड इन अ पैकेज मैनर टू अंडर फाइव चिल्ड्रन अंडर वन रूफ। ओके, अंडर फाइव क्लिनिक एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रेफरल, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एंड एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एक पैकेज मैनर में टू अंडर फाइव चिल्ड्रन, मीन्स 5 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मीन्स कि 5 साल तक के बच्चों को एक ही छत के नीचे प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रेफरल, न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अंडर फाइव क्लिनिक में। ठीक है, अंडर फाइव क्लिनिक एक सेंटर है जहाँ पे ये सारे चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ द गोल ऑफ अंडर फाइव क्लिनिक। The goal of under 5 clinic is to provide comprehensive health care to young children in a specialized facility. Okay, इसका यही goal है कि जो भी 5 साल तक के बच्चे हैं उनको एक comprehensive health care दे सके एक specialized manner में. Okay, now the symbol of under 5 clinic. Okay, the symbol of under 5 clinic is the triangle with 4 internal triangle and an outer enveloping triangle. Okay, you can see here a triangle with 4 internal triangle, okay, and 1 enveloping triangle. Okay, the first triangle is concerned with care in illness, next triangle is concerned with preventive care, next triangle is concerned with growth monitoring and triangle, and the center is concerned with family planning, and the enveloping triangle is concerned with health education. Okay, it is the symbol of under 5 clinic. Okay, now we will see about under 5 clinic provides preventive services, promotive services, curative services, health supervision, nutrition, surveillance and health education. Okay, we will discuss it in detail. Okay, तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है अंडर फाइव क्लिनिक्स। ठीक है, प्रिवेंटिव सर्विसेज मीन्स क्या कि बच्चों को जो भी डिजीज है उनसे उनको बचाया कैसे जाए। ठीक है, उनको बच्चों को डिजीज से बचाने में हेल्प करती है, उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है, हेल्दी फूड प्रोवाइड करती है एंड हाइजीन को मेंटेन रखने से कंसर्न है। ओके, नाउ प्रिवेंटिव सर्विसेज, प्रोमोटिव सर्विसेज, क्यूरेटिव एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा हेल्थ सुपरविजन प्रोवाइड कराती है। हेल्थ सुपरविजन मीन्स कि मोस्ट कॉमन डिजीज जो है अंडर फाइव चाइल्ड को, उसको फाइंड आउट करती है कि मीन्स 5 साल तक के बच्चों को कौन सा डिजीज सबसे ज़्यादा हो रहा है उसको फाइंड आउट करती है। ओके, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस इज कंसर्न्ड विद टेक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, टिल 6 मंथ ऑफ बेबी एंड प्रोवाइड नॉलेज टू मदर। ठीक है, इसमें क्या है कि मदर को नॉलेज दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि बच्चे जब तक 6 मंथ तक है तब तक उनको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराया जाए। ओके, हेल्थ एजुकेशन में है कि इट इज़ कंसर्न विथ मेंटेन हाइजीन, टेक इम्यूनाइजेशन, एजुकेट मदर एंड फैमिली एंड चाइल्ड, टेक आयरन टैबलेट। ठीक है, इसमें मदर को बताया जाता है कि आप जब भी अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप हमेशा आयरन टैबलेट लें, कैल्शियम टैबलेट लें। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए मदर को एजुकेट किया जाता है, इम्यूनाइजेशन टाइम पर लें, हाइजीन को मेंटेन रखें, ये सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है,
Now we will discuss about aims and objectives of under 5 clinic. Okay, the aims and objectives are care in illness, preventive care, growth monitoring, family planning and health education. Okay, first we will discuss about care in illness. Okay, care in illness is concerned with care and treatment of sick children. It comprises diagnosis and treatment of acute illness, chronic illness such as physical, mental, congenital and acquired abnormalities, and disorder of growth and development that is concerned with x-ray and laboratory services, referral services. Okay, तो care in illness में देखा जाता है कि बच्चे अगर बीमार हैं, ठीक है, तो उनको care किया जाता है, उनको treat किया जाता है, जो भी sick children हैं उनको, ठीक है. इसमें क्या किया जाता है कि जो भी acute illness है या फिर chronic illness है या फिर डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसको डायग्नोसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंटिव केयर, ठीक है. प्रिवेंटिव केयर इज कंसर्न्ड विद इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, इसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन, हेल्थ चेकअप, के सारे से ये कंसर्न है, ठीक है. तो प्रिवेंटिव केयर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन को, ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रेन फ्रॉम सिक्स किलर डिजीज सच एज डिफ्थेरिया, पोलियो, टेटनस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड ऊपिंग कफ, ठीक है. जो इम्यूनाइजेशन है बच्चों को दिया जाता है ताकि ये सारे सिक्स जो है किलर डिजीज हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज हैं, इनसे उनको बचाया जाए, ठीक है. नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस. ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ऑकर इन दिस एज ग्रुप सच एज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में एग्जाम्पल देख लें तो इसका है PEM, एनेमिया, रिक्टिस, ठीक है. तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बच्चों को इसी एज ग्रुप में होती है, 5 साल से कम के एज ग्रुप में होती है, ठीक है. इन दिस एट अंडर 5 क्लिनिक एवरी चाइल्ड इज वेट मंथली. दिस हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ फेल्यूर एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है. तो यहाँ पे बच्चे को हर मंथ वेट लेते हैं ताकि उनका जो ग्रोथ फेल्यूर हो रहा है फिर माल न्यूट्रिशन का केस है तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है. नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप्स. इन दिस फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब टेस्ट डन एवरी 3 to 6 months चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स आर यूज विच प्रोवाइडेड चेक लिस्ट फॉर द एग्जामिनेशन टू बी डन. दिस कार्ड्स आर वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एट रिस्क चिल्ड्रन सो दैट दे कैन बी गिवन अ स्पेशल अटेंशन, ठीक है. तो हेल्थ चेकअप में क्या होता है कि हमेशा 3 to 6 months में, हर 3 to 6 months पे फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट होते हैं और चाइल्ड हेल्थ कार्ड यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि चेकलिस्ट प्रोवाइड कराता है कि ये बताता है कि एग्जामिनेशन हो गया है, ठीक है. ये जो कार्ड है बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि जो भी बच्चे एट रिस्क पे हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको स्पेशल अटेंशन देता है और वो भी रिलेटेड जो भी उनको केयर और ट्रीटमेंट दिया जाए वो उसके लिए कंसर्न होता है. नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन. ड्यू टू डायरियल अटैक्स 2 to 6 डायरिया अटैक्स इन अ ईयर चिल्ड्रेन रिड्यूस दियर इम्यूनिटी एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम डिहाइड्रेशन. ओके, बच्चों में डायरिया का जो बहुत ही ज़्यादा इशू होता है, ठीक है, तो डायरिया की वजह से वो अपना इम्यूनिटी रिड्यूस कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने की ज़्यादा चांसेज होती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है. तो अंडर 5 क्लिनिक प्रमोट द यूज ऑफ ORS पैकेट्स दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन. तो हमारा जो अंडर 5 क्लिनिक का ये रोल होता है कि जो ORS पैकेट है ये उसको प्रमोट करता है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाता है. ओके, नेक्स्ट है द एम ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज टू ग्रोथ मॉनिटरिंग. ओके, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट अर्ली ग्रोथ फेल्यूर, टेक वेट ऑफ चिल्ड्रन पीरियडिकली. ओके, एवरी मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, एवरी सेकेंड मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, एवरी थर्ड मंथ अप टू द एज ऑफ 5 to 6 ईयर ऑफ लाइफ. ओके, तो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है ये हेल्प करता है कि बच्चा का ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इस चीज़ को डिटेक्ट करने में, ठीक है, ग्रोथ फेल्यूर को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है. तो इसमें जो है बच्चों का वेट लिया जाता है पीरियडिकली, ठीक है. अगर
वन ईयर ऑफ लाइफ, अगर बच्चा एक साल का है तो फर्स्ट एक साल में उनको हर मंथ वेट लिया जाएगा. ओके, सेकेंड एज ऑफ लाइफ, सेकेंड ईयर अगर दूसरा साल चल रहा है, ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में एवरी सेकेंड मंथ हम लेंगे वेट, एंड अप टू द एज ऑफ 5 to 6 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, 5 साल तक के बच्चों का हर तीसरे महीने पे हम वेट लेंगे, ठीक है, 1 साल तक के बच्चों का 1 मंथ, 2 साल तक के बच्चों का दूसरे मंथ, हर दूसरे मंथ, और 5 साल तक के बच्चों का हर तीसरे मंथ हम वेट लेंगे, ठीक है. ये है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है. नेक्स्ट है द एम ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज फैमिली प्लानिंग. ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि रेड इन कलर में होता है, ठीक है. ये एक सेंटर है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड. ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे बच्चे का हेल्थ को देखा जाता है, उसके लिए कंसर्न होता है, एंड मदर इज़ गिवन फैमिली प्लानिंग एडवाइसेस इन दिस क्लिनिक. ओके, मदर को फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एडवाइसेस दी जाती है. एडवाइस देम टू टेक गैप बिटवीन 2 चाइल्ड. ओके, उनको एडवाइस दिया जाता है कि 2 बच्चों के बीच गैप रखें, प्रॉपर गैप रखें, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच, ठीक है. यूज कंट्रासेप्टिव पिल्स, IUDs, कॉपर टी. ओके, बहुत सारा है कंट्रासेप्टिव चीज़ें, ठीक है. तो ये सारा कुछ यूज करने के लिए मदर को अवेयर करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन. इट इज़ कंसर्न विथ गिव हेल्थ एजुकेशन टू मदर व्हेन शी कम्स टू क्लिनिक विथ हर बेबी. यहाँ पे कि जब मदर बेबी के साथ आती है क्लिनिक पे, तो उनको एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है. द मदर रिसीव्स टीचिंग रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, केयर ऑफ चाइल्ड एट इलनेस, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ द सेल्फ एंड चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी. तो यहाँ पे मदर को अवेयर किया जाता है, उनको नॉलेज दिया जाता है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, कि उनको कैसा न्यूट्रिशन ले, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सारे मतलब लेना है, डाइट, प्रॉपर डाइट लेना है, रेस्ट करना है. इसके अलावा जो भी इम्यूनाइजेशन है हमेशा टाइम पे लेना है, बच्चों को भी हमेशा टाइम पे इम्यूनाइजेशन दिलाना है. इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए उनको अवेयर करेंगे कि हमेशा 2 बच्चों के बीच एटलीस्ट 2 to 3 ईयर का गैप रखें, कंट्रासेप्टिव सब यूज करें. उसके अलावा बच्चों को किस तरह से अगर सीख है तो उनको किस तरह से केयर प्रोवाइड करें, उनको कैसे डिजीज से प्रिवेंट करें. इसके अलावा अपने अपना कैसे ख्याल रखें और बच्चों का कैसे ख्याल रखें डिलीवरी के टाइम. इसके अलावा हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें, ये सारा कुछ जो है हेल्थ एजुकेशन में मदर को एजुकेशन दिया जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव बेस्ट. एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू.